हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वीडियो सभी का फिर से वेलकम है। और आज की दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसबेल कंपनी के एल्स्टोनिया स्कॉलरिस क्यू मदर टीचर ड्रॉप से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके एम आर पी किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो एंड से देखिए, अगर चैनल पर जानको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, एसबेल कंपनी के एल्स्टोनिया स्कॉलरिस जो कि मदर टीचर ड्रॉप्स है, ये देखा जाए तो एक रिकवरी ड्रॉप है, जो कि दोस्तों पेशेंट में अगर लो हीमोग्लोबिन है, काफ़ी जो है हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कमी है और पेशेंट को एक डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग रहती है, पेशेंट को वीकनेस देखी जाती है, लाइक उसको क्रॉनिक इलनेस की रीज़न है, अगर ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार था और उसको जो है बात करो एक एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा उसको शरीर में कमजोरी बनी रहती है। कई बार दोस्तों पेशेंट जब खाना खाते हैं उसको कई बार डायरिया हो जाते हैं और ब्लडिंग जैसे उसको स्टूल होने लगते हैं, लाइक अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि दोस्तों ये मैं बात करूँ तो ऐसी प्रॉब्लम में यूज़ की जा सकती है। अगर एमआरपी की बात करें तो आती है दोस्तों 92 रुपीज़ की, जो कि 100 की या फिर दोस्तों 95 के ऑलमोस्ट मिलेगी और जो कि 30 ml की फाइल में आती है। आज अगर पेशेंट को मलेरिया फीवर के सिम्टम्स हो रहे हैं, जो कि मलेरिया फीवर उसका जो है ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्रॉनिक फीवर को भी ठीक करती है। पेशेंट को अगर कोई पुराना बुखार है तो उसमें ये ली जा सकती है, जैसे कि पेशेंट को डिसेंट्री के सिम्टम्स है, इंडाइजेशन के सिम्टम्स है, लाइक उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और जैसे कि देखा जाए तो मैं याद करूँ उसको एक रेमेटिक पेन है, और जैसे कि देखा जाए तो एक अल्सर जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, लाइक मैं याद करूँ पेशेंट को जैसे कि क्यूटेनियस जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, त्वचा तो कोई रोग हो रहा है, या फिर पेशेंट को देखा जाए तो एक स्टॉमिक सेंसेशन हो रही है, एब्डोमिन सिंकिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, पेशेंट को देखा जाए तो मैं बात करूँ एक उसके एक रेस्पिरेटरी कंडीशन हो रही है, तो उसमें भी ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें गाइस क्या करें, 10 ड्रॉप यूज़ करें जो कि 1/4 कपड़े के साथ लेना है, और इसको खाली पेट यूज़ करें, एक दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसमें गाइस कुछ अवॉइड भी करें, जैसे कि इसमें अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और दोस्तों जो कि वुमेन प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, तो इसको यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर चैनल पर जानकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।